चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? वाकई लास्ट क्लास में जे.जे. थॉमसन मॉडल में समझा रहा था आपको, तो जे.जे. थॉमसन मैंने समझा दिया था, कुछ डाल्टन के बारे में भी मैंने समझाया था, ठीक है? तो आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिखवा दिए थे कि नहीं? अभी बताओ, हमारा डाल्टन कहता है, डाल्टन क्या कहता है कि, ये याद दिला रहा हूं आपको वापस फिर से, डाल्टन कहता है कि एटम डिवाइजिबल नहीं होता, एटम इज नॉट डिवाइजिबल, डिवाइजिबल नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि एटम तो डिवाइजिबल होता है, लेकिन बट अब इस समय की कंडीशन में हम जानते हैं कि एटम डिवाइजिबल है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा एटम में तो बहुत सारे पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, पाईऑन, ठीक है, इसको ऐसा लिखे, पाईऑन, म्यूऑन, ठीक, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, तो सो मैनी पार्टिकल्स, ये अनस्टेबल पार्टिकल हैं जो रिलीज होते रहते हैं डिके के टाइम पर। बट हमको मेन बात करनी है इन तीन की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एटम डिवाइजिबल है, बाकी मैंने आपको डाल्टन के बारे में काफी बातें समझा दी थी, पर डाल्टन का डिटेल मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर वन में, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर वन है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप चाहें तो इसको लिख लें और हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए नोट डाउन कर लें। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, सिंपली बीटा पार्टिकल, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ई माइनस वन और जीरो, इस तरह ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन दैट इज बीटा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस वन जीरो, यहाँ पर हम चार्ज लिखते हैं, यहाँ पर मास लिखते हैं। किसी भी स्पीशी को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम चार्ज और यहाँ पर उसका मास रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह एटॉमिक नंबर भी आप यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है? तो ये चार्ज हो गया माइनस वन। दूसरी बात ध्यान से सुनना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का।
9.1 × 10⁻³⁹ केजी। ठीक है, अगर हम इसको एएमयू में कन्वर्ट करना चाहें, एएमयू में कन्वर्ट करना चाहें, तो पहले एक किलोग्राम को आप ग्राम में बदल दो, तो 9.1 × 10⁻³⁹ तो ये आपका किसमें आ गया, ग्राम में। ठीक है, 28 ग्राम, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना, 28 ग्राम आएगा। ठीक है, ये 28 ग्राम आया। अच्छा, आपको 1 AMU का मतलब हम समझा देते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1/Avogadro नंबर 6.023 × 10³⁰³। ठीक है, ये आपका AMU का वैल्यू है। कभी भी ध्यान रखना, 1 AMU इक्वल टू 1.6.023 × 10³⁰³। ये ग्राम में आ जाएगा इतना, ये AMU का एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU, अब इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे इससे, तो AMU में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो AMU में आएगा 0.00054 AMU ये आता है। तो 1 AMU का वैल्यू इतना, इतने ग्राम में 1 AMU, तो इतने ग्राम में कितना, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 0.00054 AMU। ये वैल्यू काउंट, ये वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्स मुझे जहां तक याद है 1.66 × 10⁻²⁴ - 24 ग्राम आना चाहिए। एक बार आप सॉल्व करके भी देख लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना बच्चों? ये AMU का वैल्यू याद रखना, 1/Avogadro नंबर, कभी भी भूलना नहीं, 1/Avogadro नंबर ये AMU होता है। इसका वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो ये आपका AMU का वैल्यू है। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, अब जरा सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जरा सोचो कि इलेक्ट्रॉन जीरो के बाद क्या है। अपन जीरो लिख दें तो ये मैंने जीरो लिख दिया है, देखिए मास जीरो, जीरो के बाद और ज्यादा बेटर तरीका, तो 0.00054, यार इतना जीरो लगे हुए हैं कि हम इस 54 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्स हम जीरो मान लेते हैं, ये जीरो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है। लिखिए जल्दी, हो गया? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और अगर इसे ESU में लिखना है तो 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU, इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। और इससे हम मान लेते हैं ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है चार्ज का, इस चार्ज के वैल्यू को हम मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? 1। बात समझ आई? तो इसको मैंने मान लिया 1। ठीक है, इसको हमने बोला 1 यूनिट चार्ज। ध्यान से सुनना, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻¹⁹, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इसमें चार्ज नेगेटिव है, तो हम आगे लगा सकते हैं माइनस, ये माइनस, ये यहां पर हम यूज करेंगे माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया माइनस 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU, ये कूलाम में, ये ESU में, और इसको, या इसको हम 1 यूनिट चार्ज कहते हैं, और साइन इसका नेगेटिव है ये। तो ये देखिए
ये आपने यूज किया यहाँ पर निगेटिव माइनस वन, इस माइनस वन का मतलब है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बोलो क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो इस पूरी वैल्यू को हम बोल देते हैं वन। अब अगर प्रोटॉन में लिखना है तो प्लस वन, न्यू इलेक्ट्रॉन में लिखना है तो माइनस वन, तो ये चार्ज होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए तो ये हुआ आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब प्रोटॉन, ध्यान देना बेटा, प्रोटॉन का मतलब होता है, यार देखो प्रोटॉन हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में जीरो होते हैं, और एक ऑर्बिट है, ये हो गया न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है। ये आपका हुआ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब यदि मान लीजिए, ध्यान से सुनना, यदि मान लीजिए आपने हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसको आप रिमूव कर दो तो क्या बचेगा बताओ? एन तो जीरो, केवल प्रोटॉन बचा। तो ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन, इज कॉल्ड एच प्लस आयन। तो ये जो एच प्लस आयन बचा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये ऑर्बिट खाली हो गया, तो केवल प्रोटॉन बचता है। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ये लिख लेंगे, प्रोटॉन इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू एच आयन। हो गया क्लियर? ये हटा दिया आपने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये हटा दिया, तो क्या बचा? प्रोटॉन ओनली। तो हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन बनाओ। तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान से सुनना, ये चार्ज हो गया वन, तो प्लस वन चार्ज हो गया, प्रोटॉन के लिए पी हो गया, और प्रोटॉन में एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो इसका मास हो गया वन। अब इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वन पी वन, चार्ज है प्लस वन, मास है वन। अब मैं इसको समझा रहा हूं, लिख लिया आप लोगों ने ये? ये बताओ प्रोटॉन की मीनिंग क्लियर हो गई? एच प्लस आयन इज सॉल्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की मीनिंग क्लियर हो गई। अब प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन, अब बोलो प्रोटॉन पर चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू वही 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, वही चार्ज है, वही चार्ज है 4.8 × 10⁻¹⁹ ई एच यू इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। अब बताओ इस पूरी, ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप क्या बोलते हो, या इसको वन यूनिट चार्ज। अब बताओ प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस वन, इसको आपने वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा, इसको आपने वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा, तो दिस इज द वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस वन मैंने यहां पर लिखा। बात क्लियर हो गया आपको? बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ये है मास, 1.672 × 10⁻²⁷ kg या −24 ग्राम। तो ये आपका मास हुआ
इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेना तो 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम ये आ जाएगा आपका। समझ आ गया? अब देखो इससे जब तुम डिवाइड करोगे, इससे जब तुम इसे, ये AMU है, जब इसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी मास ऑफ प्रोटॉन 1.008 AMU, ये अप्रोक्स इतनी मिलेगी। समझ आ गया? 1.00। अब देखो इधर ये जो 8 है ये कितने जीरो के बाद है? 1 0 2 0, तो 2 0 के बाद है, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो? 1 AMU। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये देखिए ये 1 AMU है, ये 1 आपका ये आ गया। तो प्रोटॉन का हम मास कितना मान लेंगे? 1 AMU। बोलो क्लियर हो गया है पॉइंट आपको? तो ये हमको कंफ्यूज ना करें आगे, उसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो 1.008 AMU को आप 1 AMU मान करके काम कर सकते हैं, इसकी 2 0 लगे हुए, तो ये फटाफट लिखें। अब तो अब आपको प्लस 1 का मतलब और ये 1 का मतलब यहां पे ये प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट है मां, अब न्यूट्रॉन की मैं बात करता हूं। न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है 0 N 1, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले चार्ज तो जीरो हो गया, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हमने यहां पे चार्ज जीरो कर दिया। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ध्यान से सुनना कितना होता है, 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ये देखो वहां 1.672 था, प्रोटॉन में ये वैल्यू 2 थी, यहां पर ये 5 आ गई, थोड़ा सा ज्यादा। तो न्यूट्रॉन इज थोड़ा सा ज्यादा, वेरी स्मॉल हाई देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो 1.675 × 10⁻²⁷ दे दिए 1.675 × 10⁻²⁴ ग्राम। और ये देखो इससे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका AMU वैल्यू निकालोगे, तो ये 1.0082 के आसपास आ जाएगा। ये देखो कितना आ जाएगा, अब प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है, प्रोटॉन था 1.008, ये 1.0082 अप्रॉक्स, इसको हटाओ तो ये अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा, 1 AMU, हम इसे मान लेंगे 1 AMU। ये लिखिए, ये देखिए 1 AMU, ये वही है, ये वन। तो अब आपको इनके मास क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम इसे लिखते हैं। बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर लें आपका, जिससे डिस्टर्बेंस। तो बताइए न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से? आप तो इस तरह हम न्यूट्रॉन को, अब ये क्यों हम मैंने लिखवाया आपको, कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी आपको इसकी, तो जनरली हम यही यूज करेंगे। अब तो एटम हमारा डिवाइजिबल है, और अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। टॉपिक डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की,
इसी को हम कैथोड रे डिस्कवरी हम पढ़ने जा रहे हैं, कैथोड रे हम पढ़ने जा रहे हैं। और जिस ट्यूब में इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे होते हैं। ठीक है। और जिसमें यह एक्सपेरिमेंट किया वह डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानी जाती है, वो डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखिए। अब क्वेश्चन आए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर है जे.जे. थॉमसन। अब मैं आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हमने, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पर हमने एक बनाया कैथोड, ये है आपका कैथोड, और इस तरफ हमने बनाया एनोड, और इस ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये आपकी की हो गई, ये आपकी की। ध्यान से समझना, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ट्यूब जैसे मान लीजिए ये कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में गैस भरी हुई है, तो गैस तो भरी रहेगी, तो इस ट्यूब में ये गैस भरी हुई है। अब ये गैस हो सकती है O2 हो सकती है, N2 हो सकती है, O2 N2 कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, ये एयर है गैस, हमने क्या किया यहाँ पर वैक्यूम लगा दिया, वैक्यूम पंप, यहाँ पर हम वैक्यूम पंप लगा देंगे तो यहाँ की पूरी गैस को हम निकाल देंगे। पूरी गैस तब भी नहीं निकल पाएगी, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं होता। तो वैक्यूम दे दिया हमने, लेकिन इसके बाद भी कुछ रह जाएगी इसमें, इतना हमको इसका प्रेशर कम करना है, वेरी लो प्रेशर, वैक्यूम क्रिएट किया, तो यहाँ जो गैस का प्रेशर है लो प्रेशर कर दिया। ये लो प्रेशर होना जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लो प्रेशर, वैक्यूम लगा के, वैक्यूम पंप लगा के हमने लो प्रेशर कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें गैस का प्रेशर लो होना चाहिए, गैस का प्रेशर लो होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर ये प्लेट जो छोटी प्लेट होती है ये निगेटिव प्लेट होती है, और जो बड़ी प्लेट होती है ये पॉजिटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं हाई पोटेंशियल प्लेट, और निगेटिव प्लेट को बोलते हैं लो पोटेंशियल प्लेट। तो पॉजिटिव जो प्लेट है, जो हाई पोटेंशियल, ये बोलते हैं हाई पोटेंशियल प्लेट, और ये है लो पोटेंशियल प्लेट। तो हाई पोटेंशियल प्लेट का नाम हो गया पॉजिटिव प्लेट, जो आपने जोड़ दिया इससे, ये बन गया आपका एनोड, ये आपका तैयार हो गया एनोड। तो जिसको आप पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हो वो एनोड कहलाता है, और जिसको आपने निगेटिव प्लेट से जोड़ा तो ये निगेटिव हो गया, ये बन गया आपका कैथोड, ये बन गया आपका कैथोड। बात क्लियर हो गई। तो कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करते हैं, इस बैटरी के, जो बैटरी लगी, इस बैटरी का पॉजिटिव पोल जिस रॉड से, जिस इलेक्ट्रोड से आप जोड़ देते हो उसे बोलते हैं एनोड, एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी अटैच विथ द रॉड इज कॉल्ड कैथोड। तो जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव होता है तो इससे कनेक्ट करने पर ये पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी एनोड, एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड इज सेट टू बी कैथोड। समझ आ गया। तो एनोड कैथोड का डिटर्मिनेशन, सेल का निगेटिव पोल यदि जिस रॉड से अटैच कर दें तो वो होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड, का मतलब है कैथोड,
और सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सेल का पॉजिटिव पोल जिससे कनेक्ट कर रहे हैं वो बन जाता है एनोड। हो गया क्लियर? यहाँ पर जो कैथोड है, आपको कैथोड का जो मटेरियल लेना हो आप कैथोड बना सकते हैं, आयरन का आप कैथोड ले सकते हैं, आप ग्रेफाइट माने कार्बन का कैथोड ले सकते हैं, आप निकिल का कैथोड बना सकते हैं, आप किसी का भी कैथोड बना सकते हैं। कैथोड बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस भी मटेरियल का आपको कैथोड बनाना हो उसका आप कैथोड बना दीजिए। आगे समझ में? आप आयरन कैथोड ले सकते हैं, आप ग्रेफाइट कैथोड ले सकते हैं, आप निकिल कैथोड ले सकते हैं आप, ठीक है? तो ये आप यूज करेंगे, आप एनोड आपको बनाना है जिसका बना दीजिए। ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ये गैस भरी है पर वैक्यूम 100% नहीं है, और हमने वैक्यूम पंप लगा के यहाँ का प्रेशर लो कर दिया, एक इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, कैथोड किसके बने हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ पर जो सेल आप लगा रहे हो वो वेरी हाई पोटेंशियल इस सेल से देना है आपको, यहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल आपको देना है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, हाई पोटेंशियल यहाँ, बल्कि वेरी हाई कर दें, वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड, वेरी हाई, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो दो कंडीशन हो गए, द प्रेशर ऑफ द ट्यूब इज लो एंड द पोटेंशियल इज वेरी हाई, वेरी हाई पोटेंशियल इज सप्लाइड, वेरी हाई पोटेंशियल इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड बाई दिस सेल। तो अब आपको ये पूरा डिस्चार्जिंग ट्यूब क्लियर हो गया आपको अच्छे से, डिस्चार्जिंग ट्यूब आपको क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे ही आपने वेरी हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो कैथोड से रेज निकलना शुरू हो जाएंगी, ये कैथोड से रेज निकल रही है, देखिए ये रेज जो है ये कैथोड से निकलने लगी है, तो ये कैथोड रेज हो गई, ये कैथोड रेज हो गई, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज कि कैथोड रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड, जैसे मेरा ये मटेरियल कैथोड है आयरन का है तो इसी से कैथोड रे निकल रही है, इसी से कैथोड रे निकल रही है, बात क्लियर हो गई? तो कैथोड रे निकल रही है यहाँ से, क्योंकि आप वेरी हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कैथोड रेज जो निकल रही है इनकी वेलोसिटी बहुत हाई है, इसी का दूसरा नाम हो गया आर, इसको आप बोल सकते हो वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, हाई वेरी भी जोड़ सकते हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है वो बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है तो क्या वेव की तरह काम करने लगता है, कैसा काम करने लगता है, वेव की तरह काम करने लगता है। तो अब जब कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि जब वेरी हाई पोटेंशियल और वेरी लो प्रोसेस प्रेशर डिस्चार्जिंग ट्यूब में हो तो कैथोड से क्या निकलता है, तो आंसर होगा वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड दे आर नोन एज कैथोड रेज। बोलो कैथोड रेज क्लियर हो गई आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। तो बहुत बढ़िया, तो when very high potential is applied, very high velocity electrons are emitted in the form of rays, very high velocity electrons are emitted in the form of rays, which are called cathode rays, यही cathode ray है जो निकल रही है। आ गया समझ में आपको? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, है ना, यहां पर आप ये जो ट्यूब है, ट्यूब के एनोड का बैक साइड है, ये एनोड के पीछे वाला, यहां पर आप
ये आपने यहाँ पर जेड एन एस की प्लेटिंग कर दी, यहाँ जेड एन एस लगा दिया आपने, जेड एन एस स्क्रीन लगा दिया आपने, जेड एन एस का स्क्रीन लगा दिया। जेड एन एस जो होता है ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये इसको आप फ्लोरेसेंट मटेरियल भी कह सकते हैं। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। जैसे ही ध्यान से सुनिएगा एक चीज, तो ये आपने यहां पर क्या कर दिया, जेड एन एस स्क्रीन लगा दी। जो जेड एन एस होता है वो फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, एस सी ई आता है शायद, एस सी ई एन टी। चलिए, और मैंने साथ में ये जो प्लेट है आपका एनोड का प्लेट, इस एनोड के प्लेट को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मैंने इसमें होल कर दिए, छोटे छोटे होल कर दिए, ये परफोरेटेड एनोड। अब ये एनोड जो हो गया ये परफोरेटेड एनोड हो गया, परफोरेटेड एनोड। तो जैसे ही आपने ये परफोरेटेड एनोड किया, ये एनोड रे इन होल में से निकल के यहां पहुंच गई है। देखिए ये होल में से निकल के जा रही है, ये होल है आपके, ये होल में से निकल के ये जा रही है। तो जितनी रेज इस होल में से निकल के गई, वे रेज इस जेड एन एस स्क्रीन पर कोलिजन किया उनने। तो यहां पर और यहां पर, जैसे ही ये रेज ये जेड एन एस स्क्रीन पर टकराती है, ऐसे जेड एन एस स्क्रीन पर ये रेज टकराई, तो वहां पर लाइटनिंग आ जाएगी। ये लाइटनिंग आपको दिख रही है, ये लाइटनिंग आपको दिखने लगी, ये लाइटनिंग। इस लाइटनिंग को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो आपको यहां पर फॉस्फोरेसेंस दिखने लगी, फॉस्फोरेसेंस दिखने लगी लाइटनिंग। जैसे रात में तुमने देखा होगा ठंड, बिल्कुल अंधेरी रात में वो जुगनू चमकते हैं। अगर कभी आप रोड से क्रॉस करते हुए देखें खेतों में, तो जुगनू चमकते हैं बिल्कुल, वैसी यहाँ पर आपको चमक दिखेगी, उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो ये कैथोड रेज जो होती हैं वो जेड एन एस स्क्रीन, जो कि फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन होती है, उस पर लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है, फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। चाहे आप फॉस्फोरेसेंस बोलिए, चाहे आप फ्लोरेसेंस बोलिए, वो प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या प्रूफ हो गया कि कुछ ना कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। इससे क्या प्रूफ हो गया कि कोई ना कोई पार्टिकल जा रहे हैं यहां पर, बात समझ आ गई। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैथोड रे, ये प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ कैथोड रे, ये कैथोड रे के प्रेजेंस को प्रूफ करता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि हम उसे आंख से देख नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम आंख से नहीं देख सकते, आंख से तो हम एटम भी नहीं देख सकते, आंख से तो हम मॉलिक्यूल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हाँ, आंख से मॉलिक्यूल से बना मैटर, ये आपका आयरन एटम से बना हुआ मैटर है, तो आप एटम नहीं देख पा रहे हैं, ये पूरा मैटर देख पा रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई, इससे हमको क्लियर हो गया कि यहां पर कोई ना कोई पार्टिकल निकल रहे हैं। पार्टिकल कौन से हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल कौन से हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हमने बोला कैथोड रे। अच्छा, अगली बात देखते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए आपने, अब अगली बात समझा रहा हूं मैं, है ना, अगर मान लीजिए आपने यहां पर एक जो रेज निकल रही है, इन रेज की रास्ते में आपने अगर कोई पैडल व्हील लगा दिया, पैडल व्हील इस तरह का व्हील होता है, ये पैडल व्हील है, इस तरह का ये पैडल व्हील है। अब जरा सोचो कि अगर मान लीजिए इस पर तुम फूंक मारो तो ये ऐसा रोटेट करने लगेगा। ये अब वो यहाँ पे मेरे पास
उसे फंसाने के लिए कुछ है नहीं। चलिए तो जैसे ही आप देखेंगे इस पर आप ऐसा ये देखिए तो ये ऐसा घूमने लगता है पैडल व्हील, ठीक है। तो पैडल व्हील रोटेट कर रहा है, तो पैडल व्हील को इसके रास्ते में, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आपने लिख लिया ये पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? आपने क्या किया, इनके रास्ते में ये पैडल व्हील रख दिया, ये पैडल व्हील। तो जैसे पैडल व्हील पर ये टकराएंगे, पैडल व्हील का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ढक देना, कवर कर देंगे अपन, ये हिस्सा अपन ने कवर कर दिया, तो ये टकराएगी यहाँ पर, ये यहाँ पे टकराएगी, तो कैथोड रे जब इससे टकराएगी तो वो पैडल व्हील क्या होने लगेगा, ऐसा रोटेट करने लगेगा, पैडल व्हील ऐसा रोटेट करने लगेगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, पैडल व्हील will rotate when cathode ray collide with the pedal wheel, जैसे ही टक्कर होगी तो पेडल व्हील रोटेट करने लगेगा। इसके रोटेशन से क्या प्रूफ होगा, इसके रोटेशन से ये प्रूफ होगा कि ये जो कैथोड रे है इनमें मास होना चाहिए, और वेलासिटी तो है, ये देखिए लिखा है हाई वेलासिटी इलेक्ट्रॉन, तो मास भी होना चाहिए और वेलासिटी भी होना चाहिए। जब तक कि मास नहीं होगा तब तक वो रोटेट नहीं कर पाएगा कोई भी पार्टिकल, तभी ये पार्टिकल पे जब कोई टक्कर करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, टक्कर होगी मतलब इसमें मास होना चाहिए, वेलासिटी तो है ही, मास होना चाहिए, मास इंटू वेलासिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इससे प्रूफ हो गया कि कैथोड रे पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कंटेंट मास एज वेल एज वेलोसिटी मींस एम इनटू वी दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम का प्रूफ पैडल व्हील से हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया आपको, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में मास होता है। अब भी लिखा आपने मास इलेक्ट्रॉन का कितना, 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। तो ये आपका प्रूफ हो गया मोमेंटम का होना, मास का होना, वेलोसिटी का होना और पेडल व्हील का रोटेट होना, इसको प्रूफ करता है। बोलो क्लियर हो गया बात आपको। नेक्स्ट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, अब इसको अपन हटा दे रहे हैं। ये देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं ये जो रेस जा रही है, ये रेस जा रही है ऐसी, ठीक है, इस रेस के परपेंडिकुलर यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से, ये देखिए ये एक यू शेप्ड है, ये इस तरह से, ये रेज इसमें से निकल के जा रही है, ये तो ये जो रेज इसमें से निकल के जा रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये सीधी चली जाएगी। देखो अभी सीधी जा रही थी, यहाँ पे टकरा रही थी, यहाँ पे लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ देखना, ये ऐसी, ये इस तरफ झुक जाएगी ऐसी, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसमें कहता है चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और फील्ड अप्लाई करोगे तो ये ऐसा रोटेट कर जाएगा। समझ आ गया आपको, तो यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरह से, अब बनाना थोड़ा सा टफ है, ये देखिए ये बना दिया मैंने, सपोज एस पोल एन पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड, पर इसको विजल कैसे करना है, ऐसा है ये,
ये ऐसा, और ये आपका जा रहा है वेव, ये वेव जा रहा है ये, पर ये वेव अगर ये नहीं होता तो सीधा निकल जाता, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये ऐसा रोटेट कर जाएगा इस तरह से, तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा। अगर आपने इसकी फील्ड कम कर दी तो ये थोड़ा आगे रोटेट करेगा, और फील्ड कम कर दी तो आप और आगे रोटेट करेगा, अगर फील्ड बढ़ा दी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो ये और पास रोटेट करेगा। बोलो समझ आ गया? तो ये आप यूज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है, स्ट्रेंथ आपको मैग्नेटिक फील्ड की पता है, जो अपन मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी हमें स्ट्रेंथ पता है। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, ये रोटेशन इसका और पास होगा, ये और पहले दूर रोटेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कम था तो थोड़ा दूर जाके हल्का सा ऐसा रोटेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। तो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे इसका रोटेशन, ये इसका जो सर्किल है वो उतना कम होते जाएगा। कैसे होगा? ये सर्किल कम हुआ, ध्यान देना बेटा, ये सर्किल कम हुआ, ये आप यहाँ इस पॉइंट पर टकराएगी, ये आपका ये पॉइंट हो गया, यहाँ टकराएगी, ठीक है? तो ये ट्यूब से आप ये सर्किल को अगर आप कंप्लीट कर लो तो ये देखो, ये सर्किल इस तरह से हो जाएगा, ये सर्किल। इस सर्किल का आप रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? सर्किल का रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं? सब जानते हैं। अरे यार, कोई सर्किल दे दें तो आप रेडियस बता सकते हो उसका, इतना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का देख लिया डायमीटर, बोले यार डायमीटर का है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 0.05 मिलीमीटर। तो आप ये सर्कल बना सकते हो ऐसा। अब बोलो पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया? तो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से अगर आप ये कैथोड रे निकल रहा है तो ये ऐसा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे बढ़ाओगे तो वो अट्रैक्शन और पास होगा, ताकि एक इसमें बनेगा, तो इसमें भी ये देखो, इसमें भी ऐसा सर्कल बनेगा पर बड़ा सर्कल बनेगा, इसमें भी ऐसा सर्कल बनेगा पर छोटा सर्कल बनेगा, इसमें भी सर्कल बनेगा और छोटा सर्कल बनेगा। तो सर्कल आप बना सकते हो और सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं आप बताओ? यस सर। तो आपको रेडियस काम मिल जाएगा इसका, ठीक है, रेडियस मिल जाएगा आपको। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की ये बात क्लियर हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसका मूवमेंट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई वेव डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक। इससे क्या प्रूफ हुआ? चार्ज प्रूफ हो जाएगा, इससे चार्ज प्रूफ हो जाएगा। द वेव डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, इन पार्टिकल पर चार्ज प्रूफ होता है। बोलो क्लियर हो गया ये पॉइंट? लिख लेंगे जल्दी से, ऐसा बना लेंगे, लिख लेंगे। बना लिया बेटा आप लोगों ने? हो गया ये? इसको क्लीन कर दूं? इसको क्लीन कर दूं? यस सर। तो कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव द चार्ज। दूसरा समझो, ये तुमने, ये कैथोड रे जा रहा है, ये कैथोड रे जा रहा है, कैथोड रे के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, कैथोड रे के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है आपका ऐसा, ये एस है, ये एन है, आपने ऊपर लगा दिया और नीचे लगा दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ऊपर यहां एक प्लेट लगा दी, नीचे एक प्लेट लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हम। ई एफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, ये पॉजिटिव प्लेट बना दी,
ये निगेटिव प्लेट बना दी ऐसा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लगा दिया आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने कैथोड रे के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अपन मैग्नेटिक फील्ड को अभी हटा लें, ध्यान से सुनना, अभी मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, परपेंडिकुलर लगाएंगे बट अभी मैंने हटा लिया। तो बताओ ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड रे है ये किधर डिफ्लेक्ट होगी बताओ? पॉजिटिव साइड। सीधी जा रही थी, जो सीधी जा रही थी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड, ये डिफ्लेक्ट हो गई इस साइड। तो कैथोड रे एंड इस तरफ ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ हुआ कि कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आर कैथोड रे, और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रूव द नेगेटिव चार्ज ऑन द कैथोड रे, प्रूव द नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड रे। बोलो क्लियर हो गया अब आपको? इससे क्या प्रूफ हो गया बेटा कि कैथोड रे पर चार्ज नेगेटिव होता है, कैथोड रे पर चार्ज नेगेटिव होता है, ये प्रूफ हो गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इससे आपको? और ये कैसे पता चला? हम देख तो सकते नहीं है कि ये इस तरफ मुड़ रही है, तो यहाँ देखो, ये इधर देखो ध्यान से, ये छोटा कर दिया अपन ने, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या ZnS स्क्रीन, ये मैंने लगा दी यहाँ पर ZnS स्क्रीन, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्या ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है आपका, ये निगेटिव है इस तरफ है पॉजिटिव, ये फील्ड लगा हुआ है। अब ये इस तरफ मूव की, ये दिखेगी, ये जाएगी इधर, तो यहाँ पे लाइटनिंग आपको दिखेगी, ये लाइटनिंग दिखने लगेगी। तो ये ZnS स्क्रीन यहाँ लगा दिया आपने, यहाँ पर आपने ZnS स्क्रीन लगा दिया, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रही है बेटा? लाइटनिंग। यानी पहले लाइटनिंग आपको यहाँ दिख रही थी, जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो कैथोड रे सीधा जा रहा था बिल्कुल, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगर ये परफोरेटेड होता तो यहाँ पर आपको लाइटनिंग मिलती, तो ये जो लाइटनिंग यहाँ पे जो मिल रही है इससे प्रूफ हो गया कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। बोलो अब क्लियर हो गया पूरा कि नहीं पॉइंट आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको? यस सर। सबको अच्छे से? इस तरह आप ये दोनों बातें प्रूफ कर सकते हो। अब तीसरी एक और बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड एस पोल एन पोल, और ये आपकी कैथोड रे इसके बीच में से होके जा रही है, ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमने दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को बिल्कुल इक्वल कर दिया। तो बताओ क्या ये कहीं डिफ्लेक्ट होगी? ये सीधी की सीधी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी, ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये वो पॉइंट है, ये वो रेज है जो बिल्कुल सीधे निकल रही है, पर कब निकल रही है? जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड को बैलेंस कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल बैलेंस आप कर देंगे तो फिर ये ना इधर डिफ्लेक्ट होगी ना इधर डिफ्लेक्ट होगी,
ये सीधी निकल जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हो गया आपको बच्चों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस सर। तो व्हेन फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड द कैथोड रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी और सीधी निकल जाएगी वो। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, तो ये आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो गैस भरी हुई है, यदि इस गैस से ये टकरा जाए या ट्यूब की वॉल से टकरा जाए, कौन? कैथोड रे। कैथोड रे वेरी हाई स्पीड में चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी है इसमें, वेलोसिटी है इसमें, मास भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? तो कैथोड रे इज द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे इज द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी भी है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम है, 0.00054 है, इतना कम है, ठीक है, लेकिन है तो मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है, और यदि किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो और ट्यूब ठंडी हो और इससे टकरा जाए, ये कैथोड रे से टकरा जाए ट्यूब से, तो क्या होगा? ट्यूब हीटेड हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, ट्यूब गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैन कैथोड रे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द ट्यूब आर कोलाइड विद द गैस, ठीक है, इट ट्रांसफर द एनर्जी टू द ट्यूब आर गैस एंड प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो कैथोड रे में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, यदि वो ट्यूब से टकराती है या गैस मॉलिक्यूल से टकराती है तो उन्हें गर्म कर देती है, उन्हें गर्म कर देती है, गर्म हो जाती है ट्यूब। तो हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रे कोलाइड विद द ट्यूब आर गैस मटेरियल। बोलो क्लियर हो गया बेटा? तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ ये पॉइंट आपको? यस सर, क्लियर हो गया। तो ये इसका अपन आगे फायदा उठाएंगे इस बात का, कैथोड रे की इस बात का हम आगे समझेंगे कि क्या इससे हमको फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट, तो ये पूरी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। आप ध्यान से सुनना, अब हम, अब जो जे.जे. थॉमसन है उसने इसका ई अपान एम कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ ई अपान एम। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज, और एम का मतलब होता है मास, चार्ज अपान मास। बेटा चार्ज अपान मास, इसको हम बोलते हैं चार्ज अपान मास का एक और नाम है स्पेसिफिक चार्ज। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान से सुनना, जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ ई अपान एम। ई का मतलब चार्ज, एम का मतलब मास, चार्ज अपान मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने अभी देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो ये डिफ्लेक्ट हो गई थी, ये वो पॉइंट है ट्यूब का जिस पे डिफ्लेक्ट हो रही है, और आप इससे एक सर्कल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये सर्कल आप बना सकते हैं, और इस सर्कल का आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगाया है आपने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको पता है, स्ट्रेंथ आप मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप बी बोलते हैं वो पता है, और ये जो जिस वेलासिटी से जा रहा है वो वेलासिटी आपको पता है, और ये पॉइंट से आप एक सर्कल बना सकते हैं, उस सर्कल का आप रेडियस पता है आपको, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता है, तो आप मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू, देखो कुछ जगह फिजिक्स में इसे ई को क्यू लिख देते हैं, आप चाहें तो ई भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू का मतलब चार्ज, क्यू अपान एम बोल दीजिए। केमिस्ट्री में इसे हम ई अपान एम बोलते हैं, फिजिक्स में हम इसे क्यू अपान एम बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू क्रिएट होगा वो क्यू इंटू वी इंटू बी, ये मैग्नेटिक फोर्स आपको मिल जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाता ऐसा, तो उसकी वेलोसिटी आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, और इस सर्कल का रेडियस आपको मालूम है, तो आप यू कैन कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब जानते हैं क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल हो गई, दोनों कैंसिल हो गई, तो आप वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू, वी तो कैंसिल हो गया, बी इंटू आर, तो क्यू इंटू बी इंटू आर अपान एम, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये सर्कल बन रहा है जिसमें जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको बी मालूम है, वेलोसिटी मालूम है इलेक्ट्रॉन की, क्यू चार्ज आपको निकालना है, क्यू अपान एम आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी, इसको आप लिख लें। ये आप केवल समझने के लिए आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि उसने कैसे निकाला होगा मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके वेलोसिटी कैसे निकाली, वो आप लिख लें इसको। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। तो इसको याद नहीं करना, बस समझ डेवलप करना है कि हो क्या रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी तरह से अब आपने, आपको याद है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वैल्यू इक्वल कर दें तो ये बिल्कुल सीधा जाता है, ये कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो हम ये हटा रहा हूं मैं अब, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर है। मैग्नेट ये तो इतना है, Q इंटू वी इंटू बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है Q इंटू ई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, Q फॉर चार्ज, Q को E भी लिख सकते हैं, E फॉर चार्ज और Q फॉर चार्ज, तो केमिस्ट्री में E यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, V इक्वल टू आ गया E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल हो गई, लिखो जल्दी से अगला। ये भी वेलोसिटी E अपॉन B आ गई, ये वेलोसिटी क्यू बी आर अपान एम आ गई, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं अगला स्टेटमेंट लिख रहा हूं जल्दी से, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो ये आपका क्यू बी आर अपान एम, क्यू बी आर अपान एम, ये आपका आ गया क्यू बी आर अपान एम, ध्यान से सुनना, क्यू बी आर अपान एम। अब हमको क्यू अपान एम चाहिए, क्यू अपान एम
अपॉन एम इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये आपको मालूम है कि कितना आपने लगाया है ई बी, ये आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आपने लगाया है एम, ठीक है, ये आपने इधर कर दिया, क्यू बी को आप उस तरफ शिफ्ट कर दो, क्यू बी को इस तरफ, तो क्यू इस तरफ, अब बी इंटू बी, बी का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका आ गया ई अपान क्यू, ई अपान या सॉरी आर है बेटा, एक मिनट, आर है, आर बी स्क्वायर, तो बेटा ये क्यू अपान एम आपको मिल गया, ये देखिए, ये आपको मालूम है, बी आपको मालूम है, और रेडियस आपको मैंने बताया कैसे कैलकुलेट किया था आपने, ये कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आपने बढ़ाते गए ये सर्कल छोटा होते गया और ये एक सर्कल बन गया, उस सर्कल का आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये रेडियस भी आपको मालूम है, तो रेडियस भी मालूम है, बी भी मालूम है, ई भी मालूम है, ये दोनों तीनों चीजें आपको मालूम है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो क्यू अपान एम, जिस एक्सपेरिमेंट का यूज करके क्यू अपान एम का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया, क्यू अपान एम या ई अपान एम, केमिस्ट्री में ई अपान एम लिखेंगे हम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ई अपान एम, तो ये ई अपान एम कैलकुलेट कर लिया गया, ई मालूम है, बी मालूम है और रेडियस मालूम है, जब ये सब रखा तो इसका वैल्यू आ गया आपका क्यू अपान एम का, याद करिए 1.76 × 10^11, 1.76 × 10^11 कूलम पर केजी, ये आ गया आपका ई अपान एम, इस तरह से ई अपान एम कैलकुलेट कर लिया गया, ये लिख लीजिए जल्दी से ई अपान एम, ध्यान दीजिए ई अपान एम कैलकुलेट कर लिया गया, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ध्यान से सुनना बेटा, ये ई अपान एम कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 1.76 × 10^11 कूलाम पर केजी, ये आपका ई अपान एम आ गया, अब इसको प्रूफ करना है कि रियल में ये इतना ही होना चाहिए कि नहीं ई अपान एम, तो ध्यान से सुनना, आपको अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का मास लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 × 10^-19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 × 10^-31 केजी, ये देखिए पूरा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1.76 × 10^11 कूलम पर केजी आ जाएगी, तो ये आपको इस एक्सपेरिमेंट को याद नहीं करना है, ना ई अपान एम को याद करना, ई तो याद ही है तुमको, एम भी याद है, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये जो आया ये प्रूफ हो गया कि वास्तव में ई अपान एम इतना ही होना चाहिए, अब बात आगे की, ई अपान एम की बात क्लियर हो गई आपको, यस सर, ई अपान एम की, अब ध्यान से सुनना बेटा, हटा दूं इसको, दिमाग लगाना, ये जो कैथोड रे है ये निकल किससे रही है, कैथोड से, अब बताओ मुझे आयरन का इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रोड लेते तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन, अगर आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया होता तो जिंक का इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है कि सबका इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है, मुझे बस इतना बता दो, कॉपर का इलेक्ट्रॉन, जिंक का इलेक्ट्रॉन, निकिल का इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन, किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन तो सभी के एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, तो यहां पर आप चाहे आप कॉपर लो, चाहे आप जिंक लो, चाहे आप निकिल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप कॉपर लो, चाहे जिंक लो, चाहे निकिल लो, चाहे आयरन लो, चाहे ग्रेफाइट लो, कोई भी लो, ई अपान एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी के सेम होते हैं, तो बदल बदल के देखा कि कभी आयरन ले लिया, कभी कॉपर ले लिया, कभी ग्रेफाइट ले लिया, सबको बहुत बदल बदल के देखा, तब भी ई अपान एम कॉन्स्टेंट आता है, ई अपान एम में चेंज नहीं आता, तो ई अपान एम
फॉर द कैथोड रेज आर नॉट डिपेंड अपॉन कैथोड मटेरियल, मटेरियल आयरन ले लो, चाहे कॉपर ले लो, चाहे जिंक ले लो, चाहे ग्रेफाइट ले लो, कोई भी आप ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, इस मटेरियल पर ई अपान एम डिपेंड नहीं करता, ई अपान एम ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ई अपान एम ऑफ कैथोड रे ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट है। तो बताओ अब बात, ये बात क्लियर हुई थी नहीं आपको, ई अपान एम ऑफ कैथोड रे आर नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कैथोड, आप चाहे आयरन मटेरियल का बनाओ कैथोड, चाहे कॉपर मटेरियल का बनाओ, चाहे टंगस्टन मटेरियल का, कोई से भी मटेरियल का बनाओ, कैथोड मटेरियल पर ई अपॉन एम डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन तो सभी मटेरियल के सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सभी मटेरियल के सेम होते हैं, बात क्लियर हो गई। ये इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि सभी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। इससे पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर, क्योंकि ई अपान एम सबका सेम आ रहा है, ई अपान एम हमने बार बार कैथोड चेंज करके देखा तब भी ई अपान एम सेम आया, इसका मतलब क्या कि जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो सभी का एक जैसा है, इसका मतलब चाहे वो एटम कोई सा भी हो, ई अपान एम सेम आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। लिखेंगे दिस ई अपॉन एम वैल्यू फॉर ऑल कैथोड मटेरियल हैव द सेम, दिस प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया आप लोग को? Yes, sir. आप ध्यान से समझिए, तो E upon M से ये बात प्रूफ होती है कि सभी मटेरियल का E upon M सेम आना, इसका मतलब सभी मटेरियल चाहे वो किसी का भी हो मटेरियल, इलेक्ट्रॉन सभी में एक जैसे हैं, क्योंकि E upon M से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ई अपान एम का सेम होना। दूसरी बात, यहां पर गैस कोई भी भरी हो, O2 भरो, N2 हो, HE हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ई अपान एम पहले हमने भर के देख ली ऑक्सीजन गैस, बाद में भर दी नाइट्रोजन गैस, उसके बाद भर दी आपने हीलियम गैस, पर बहुत कम, ये देखो वैक्यूम लगा हुआ है, लो प्रेशर, माने बहुत कम कि N2 के 2-4 पार्टिकल हों इसमें, O2 के 2-4 पार्टिकल हों इसमें, इतना कम होना, वेरी लो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, वेरी लो। तो बच्चों E अपॉन एम ऑफ द कैथोड रे is not depend upon the gas filled in discharge tube। ये दूसरा बहुत important कि discharge tube में चाहे आप कोई सी भी गैस भर दो, E upon M सेम आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर ये भरी क्यों रहती भाई? ये तो भरी इसलिए रहती है, एयर में तो सब है ना, इसलिए आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। और फिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है वैक्यूम की कि यदि मान लीजिए ये रेज निकलेंगी और इसमें गैस का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये टकरा जाएगी, O2 से टकराएगी, तो फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ आया?
तो इसलिए हमें स्ट्रीम लाइन चाहिए, स्ट्रीम लाइन रेज चाहिए, और इनके प्रेजेंट होने पर वो स्ट्रीम लाइन रेज आपको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से इस गैस को हटा देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हटा तो दिया, हमने थोड़ा सा ऑक्सीजन भर के देखा, अपान एम में कोई अंतर नहीं आया। हमने थोड़ा सा नाइट्रोजन भर के देखा, अपान एम में कोई अंतर नहीं आया। हमने थोड़ी सी हीलियम भर के देखी, अपान एम में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैस इसमें कोई सी भी भरी हो, अपान एम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कैथोड का पार्टिकल, कैथोड का मटेरियल चेंज करने पर भी अपान एम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। तो बताइए, ये बात पूरी क्लियर हो गई आपको? यस सर। जो क्लियर हो गया आपको अच्छे से? हटा दूं तो कैथोड रे पर आने वाले ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो कैथोड रे पर इतने पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा एनोड रे समझाऊंगा, पूरा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझाऊंगा, कैसे अल्फा और फिर रदरफोर्ड समझाऊंगा, अल्फा एक्सरे एक्सपेरिमेंट पूरा, ठीक है? तो ये आपका आज की क्लास कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज का आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया ना सब बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा 100% क्लैरिटी। कंडीशन याद रखिए, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, ठीक है? चलिए रखते हैं, थैंक यू। थैंक यू।